हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ। यहाँ पर मेरी बेटी अवनी जा चुकी है स्कूल और मेरा बेटा कायरो भी उठ चुका है सोकर। अभी यहाँ पर पड़े हुए थे बहुत सारे कपड़े, जिन्हें मैं अभी उठा लेती हूँ। उसके बाद मुझे करनी है कंबल की तय और बेडशीट भी करनी है सेट। मैंने सोचा था कि आज बेडशीट चेंज कर दूंगी, मगर आज नहीं करूंगी। मैं 3 से 4 दिन में बेडशीट कर देती हूँ चेंज, क्योंकि मेरे घर में है कच्चा, इसलिए मेरे सारे सामानों पर बैठ जाती है धूल और बहुत जल्दी से हो जाती है मेरी बेडशीट गंदी। अभी मैं पहले बना लेती हूँ कंबल की तय। मैंने सब कपड़े यहाँ से उठा दिए हैं, एक दो कपड़ा पड़ा हुआ है। कंबल की तह बनाने के बाद मुझे बेडशीट सेट कर दी है। और अभी भी यहाँ पर बेड पर रखा हुआ है एक बिछौना, जो शाम के टाइम में बेड के गद्दों पर डाल देती हूँ अपने बेटे का और अपनी बेटी अवनी के लिए, क्योंकि अब सर्दी थोड़ी बढ़ गई है। और अभी बना रही हूँ मैं अपने बेटे कायरव की छोटी ही रजाई की तह, जो उसके नाना के यहाँ से आई थी। उसके नाना के यहाँ से उसका छोटा सा बिछौना, छोटी सी रजाई और तकिया वगैरह आए थे जब वो हुआ था। अभी मैं उनकी तह बना लेती हूँ। शाम में जब वो सो जाता है, मैं उसे ये भी उठा देती हूँ। वो इधर रखा हुआ था बेछोना, वो भी मैं उठा लेती हूँ। उसके बाद मैंने कर दिया बेडशीट सेट और बेड पर लगा दिए हैं मैंने तकिए। और अभी लगाना है मुझे बेड पर कपड़ा, क्योंकि बैठ गई है बहुत ज़्यादा धूल। और अभी मुझे रूम में और भी चीज़ें हैं जो भी साफ़ करनी है और संगवाना है। अभी सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। उससे पहले आ गई हूँ मैं बाहर। मैंने कल धुले थे टावल, जिन्हें मैं अभी बाहर हैंगर पर लगा देती हूँ। और बरामदे में लगा रखा है हमने छोटा सा हैंगर, जिस पे मैंने अपने टॉवल टांग दिए हैं। और उसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ रूम में, और यहाँ पर अभी मैं लगा लेती हूँ बेड पर कपड़ा, क्योंकि सारे बेड पर बैठ गई है बहुत ज़्यादा धूल। मिट्टी कच्चा होने की वजह से सारे सामानों पर धूल बैठ जाती है। अभी मैं बेड को अच्छे से साइड में से भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। बेड पर कपड़ा लगाने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ ऊपर की साइड से। पर यहाँ पर रखा हुआ था मेरा बक्सा और एक बाल्टी, जिन पर भी बैठ गई थी बहुत धूल। उन्हें भी मैं अभी कर देती हूँ साफ़, और साथ के साथ सेब पर भी लगा देती हूँ कपड़ा, क्योंकि उस पर भी बैठ गई है बहुत ज़्यादा। सेब को झाड़ पूछने के बाद मैं आ गई हूँ अलमीरा में, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हो रहे हैं कपड़े इधर उधर। इन्हें भी मैं कर देती हूँ सेट, क्योंकि जब मेरी बेटी अपनी कपड़े निकालती है तो सारे कपड़े इधर उधर हो जाते हैं। और यहाँ पर ऊपर लगे हुए हैं मेरी बेटी अपनी और मेरे बेटे कायरव के कपड़े, जस्ट नीचे लगाए हैं मैंने अपने कपड़े। और कपड़े सेट करने के बाद मैं आ गई हूँ इधर। यहाँ पर इन्वर्टर पर भी बैठी हुई थी बहुत ज़्यादा धूल, जिसे मैं साफ़ कर देती हूँ। और पीछे आप देख सकते हो संदूक पर भी रखे हुए हैं अभी भी कुछ कपड़े, जिन्हें मुझे उठाना है और उन्हें भी करना है मुझे अलमीरा में सेट।
अंदर रूम का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर और यहाँ पर खिला रही हूँ मैं अपने बेटे कायरो को। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, पहले मैं उसे ले लेती हूँ। बीच में झाड़ू छोड़कर मैं बाहर चली गई थी, वहाँ पर ले रही थी मैं अपने बेटा कायरो को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। और अभी आकर मैं लगा लेती हूँ, झाड़ू बहुत ज़्यादा उड़ रही थी धूल, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डालकर सकेर दूँगी। अंदर रूम का सारा काम हो गया मेरा ख़त्म, और उसके बाद मुझे करनी है दूसरे रूम में सफाई। मुझे जाली में भी लगाना है कपड़ा, कुछ सामान इधर उधर फैले हुए हैं जिन्हें करना है मुझे सेट, और साथ के साथ जाली फ्रिज को झाड़ने के बाद मैं सोफ़ों के पीछे भी सकेर लेती हूँ और उन्हें झाड़ लेती हूँ अच्छे से, और सोफ़ों को दूसरी जगह पर कर दूंगी मैं अभी सेट, और उन्हें झाड़ कर सेट करने के बाद मैं उन पर डाल दूंगी कपड़ा। हम लोग अभी सर्दियों के दिन है, सभी बाहर बैठते हैं, और इन सोफ़ों पर मैंने डाल दिया है कपड़ा जिससे दिन में धूल कम बैठे। और उसके बाद मैं टेबल को भी कर देती हूँ साफ़, और उसको भी लगा दूंगी मैं सोफ़ों के आगे कर दूंगी सेट। आज मैंने टेबल को भी वहाँ से हटा दिया है और उस पर भी डाल दूंगी मैं कवर। धूल मिट्टी ज़्यादा होने की वजह से मैं सब सामानों को ज़्यादातर ढककर रखती हूँ। यहाँ पर मैंने संदूक का पर्दा भी धुला था जिसे आज मैं संदूक पर डाल दूँगी और ऊपर से डाल दूँगी उस पर मैं दरी, और उस पर कट्टा डालकर रखूँगी मैं बर्तनों का टोकरा। मैं बर्तनों को बाहर ही सुखा लेती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर उन्हें टोकरे में लगा कर यहाँ पर रख दूँगी। आज मैंने टोकरे की भी जगह कर दी है चेंज, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं थोड़ा बहुत रूम में चेंज करती रहती हूँ। ये सब काम करने के बाद मेरी झाड़ू हो गई है कंप्लीट, उसके बाद आ गई हूँ मैं बाहर और लाइट आ चुकी थी। मैं धो रही हूँ अपने बेटे कायरव की पजामी, हर रोज़ में जो मेरा बेटा पजामी निकालता है वे मैं पजामी हर रोज़ सर्फ के पानी में धुल देती हूँ। रोज़ जितनी भी पजामी गीली करता है सभी को मैं धुल देती हूँ, दिन में एक बार जरूर सुबह से शाम तक की सारी पजामी धुल देती हूँ। उसके बाद मुझे अभी ने मशीन में से कपड़े निकालने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर, और मैं अभी सुखा देती हूँ अपने बेटे कायरव की पजामी और कुछ कपड़े जो मैंने आज धुले थे, जो मैं आप लोगों को वो अभी दिखा चुकी हूँ, और मैं उसे ले रही हूँ गोद में। वही बात है, वो रोता बहुत ज़्यादा है, और अभी उसकी अम्मा जी भी कर रही थी काम, और मेरे हस्बैंड भी पी रहे थे बैठे हुए चाय, कोई लेने वाला नहीं था, इसलिए मैं खुद से ही उसे लेकर कर रही हूँ काम। पिछली कहीं पर करती हूँ एंड, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट टॉक में। तब तक के लिए बाय बाय। मुझे पिछली बार मुझे कमेंट आया था, पिछली वीडियो में मुझे एक कमेंट आया था कि दीदी आप बेटे को लेकर काम मत किया करिए। बाबू आप, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, ठीक है आपकी बात सही है, पर मेरी थोड़ी मजबूरी है, मैं अकेली करने वाली हूँ, और मेरी सास जो है उनकी उम्र हो चुकी है, उन पर इतना काम नहीं होता है, तो मुझे कभी कभार कायरव को लेकर ही काम करना पड़ता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ठीक है, मैं आगे से कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें। वैसे तो
शादी से आने के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मुझे आज बोलने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और वीडियो में बहुत धीमे से आवाज़ होगी शायद। मेरी तबीयत ख़राब है अभी भी, मेरी आवाज़ पर मत जाइएगा। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, मुझे हुआ है जुकाम खांसी और आज मैं गई थी डॉक्टर के यहाँ, दवाई लेकर आई हूँ अभी, थोड़ा बहुत थोड़ा लगा है अभी आराम। चलो तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो फिर से यही बात, एक लाइक दे दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो और कमेंट कर रहे हो। आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।